और अब खबर यूपी के शामली से, जहां कैराना कोतवाली क्षेत्र के कस्बा कैराना में बंदरों के आतंक का जानलेवा कहर देखने को मिला है। यहां मंदिर में पूजा करने के बाद बीजेपी नेता की पत्नी की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल वरिष्ठ बीजेपी नेता अनिल चौहान की धर्म पत्नी का मंदिर से पूजा करने के बाद अपने घर की छत पर वो गई और जहां बंदरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद नेता की पत्नी अपने घर की छत से गिर गई और उनका देहांत हो गया। घटना के बाद से इलाके में शोक छा गया है। बीजेपी नेता की पत्नी की मौत की सूचना मिलते ही स्थानीय बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। तो बंदरों का आतंक अब जानलेवा भी साबित हो रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक बीजेपी नेता की पत्नी की इस घटना में जान तक चली गई। दहशत का माहौल भी इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, कई लोगों को ये कटकने जो बंदर हैं वो जख्मी भी कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल गांव में मातम पसरा हुआ है। कई बार इसको लेकर शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और जिसका खामियाजा अब जान देकर लोगों को भुगतना पड़ रहा है। घटना के बाद से इलाके में शोक छा गया है, परिवार में कोहराम मचा है और बीजेपी नेता की पत्नी की मौत की सूचना मिलते ही स्थानीय बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। तो बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है और इससे पहले भी ये कटकने बंदर अब तक कई लोगों को शिकार बना चुके हैं, कई लोगों को जख्मी भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ताजा घटना यूपी के शामली से है, जहां कैराना कोतवाली क्षेत्र के कस्बा कैराना में बंदरों के आतंक का जानलेवा कहर देखने को मिला है। बंदर जी मारी थी, वो बंदर से डर गई, वो गिर गई। अच्छा, जिस तरीके से हादसा हुआ, बंदर तो काफी संख्या में पहले से ही होंगे यहाँ पे? दो चार बंदर थे वहाँ। अच्छा, जिस तरीके से पहले भी कोई घटना इस तरीके की हुई? पहली बार ही। वो सुबह लगभग 7:15 बजे अपने अंदर चौक से निकलकर ऊपर जीने की तरफ चढ़ने लगी, तो अचानक बंदरों ने उनके ऊपर हमला खोल दिया और वो होपलेस होकर के जो रेलिंग थी, रेलिंग के ऊपर से नीचे गिर गई और गिरने के बाद में उनके सर में बहुत गंभीर चोट आई और चोट लगने के बाद में वो सब लोग उन्हें सामने डॉक्टर के यहाँ भी लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया वो ऐसी स्थिति नहीं थी कि उन्हें बचा जा सकता था। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रवण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, अब ये बंदरों का जो आतंक है लोगों की जान पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक बीजेपी नेता की पत्नी की मौत तक हो गई है इसमें? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से शामली जनपद के कैराना कस्बे में ये घटना हुई है, और ये जनपद में कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से पशुओं के या जानवरों के द्वारा ये घटनाएं अंजाम दी जाती है और उसमें लोगों की मौत होती है, कहीं ना कहीं वन विभाग भी इसमें लापरवाह दिखती है, क्योंकि वन विभाग को इसकी समय समय पर शिकायत की जाती है, लेकिन समय समय पर शिकायत होने के बाद वो कार्रवाई नहीं करते, और जिस तरीके से अगर कुछ जानवरों को पकड़ते हैं या फिर उनको पकड़कर पास पास ही छोड़ देते हैं, जिससे फिर वो मौके पर दूरद वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन उसी तरीके से घटना दर घटना बढ़ती है, लेकिन अधिकारी ना तो जागते हैं, लेकिन जिस तरीके से मौत हो रही है, खासकर बीजेपी जिला अध्यक्ष सत्येंद्र तोमर जी का भी ये कहना है कि घटनाएं तो पहले भी हुई है, लेकिन वह विभाग के लोग इसे पकड़ते हैं और वो दूर जाकर छोड़ देते हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रवण हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी।